जा रहे हैं और बाबा पेट जो है वो किमाड़ी से 10 से 15 मिनट का सफ़र है कश्ती के ऊपर। बाबा पेट असल में एक जज़ीरा है जिसके चारों तरफ समंदर है और बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर मौजूद है। वहाँ के मकामी लोगों से भी हम पूछेंगे उनका गुजर बसर कैसे होता है और वो अपने ज़रिए माश के तौर पर किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ कोई स्कूल है या नहीं है, या वहाँ पर जो बुनियादी सहूलतें हैं वो कैसी हैं। अलबत्ता ये मालूम हमें है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग मछेरे हैं और वो मछलियाँ पकड़ कर ही अपना गुजर बसर करते हैं। इंशाल्लाह हम वहाँ पर चल कर आपको मकामी लोगों से भी आगाह करेंगे और इस जज़ीरे का मुकम्मल तारुफ करेंगे। हम बाबा बिट के जज़ीरे पे मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जज़ीरा नुमा इलाका है और इसके चारों तरफ समंदर मौजूद है। इसके आसपास चार जज़ीरे हैं जिनमें से ये एक बाबा बिट एक जज़ीरा है जिसके अंदर तकरीबन 50,000 के करीब आबादी मौजूद है। यहाँ के रहन सहन कैसा है, लोगों का ज़रिए माश क्या है, इधर कितने स्कूल हैं और कैसे ये लोग गुजर बसर करते हैं, इस हवाले से अहम मालूमात हम यहाँ के मकामी लोगों से मालूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? इस इलाके के बारे में बताइएगा, इधर के ज़रिए माश क्या है और यहाँ कैसे लोग रहते हैं और यहाँ कितने जज़ीरे हैं? जज़ीरे इधर जो चार जज़ीरे सब माइग्रेंट। अच्छा, कोई भी गवर्नमेंट का नौकरी वोकरी मतलब यहाँ नौकरी नहीं है, सिर्फ माइग्रेंट सिर्फ मछलियाँ पकड़ते हैं, मछली वाला है सब, यानी सबका ज़रिए माश सिर्फ मछलियाँ मछली पालना है। इधर बड़ा होता है बच्चा, छोटा होता है और मछली मार मार के बस बड़ा हो जाता है। इधर होता नहीं कोई मवाके नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई तालीम कोई कोई भी। अभी हम गवर्नमेंट की स्कूल थी उसमें तो समझो नहीं पढ़े तो अच्छा है, ऐसी थी। अच्छा, अभी जो हमारा आदमी जो सब मिल के मतलब ये है कि शऊर अब दो स्कूल हैं, दो स्कूल थे, मैं स्कूलों के बारे में पूछना चाहूँगा सर। मैंने पानी के ताड़े तो स्कूल जो है यहाँ पर मैंने सुना है कि एक गवर्नमेंट है एक प्राइवेट है, उनके अंदर तालीम कैसी है, कब बना और क्या तरतीब है? 50,000 लोगों के लिए सिर्फ दो स्कूल है, इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। जो गवर्नमेंट स्कूल है वो तो बहुत पुरानी है, समझ लो हम लोग से भी पुराना, 50 साल से पुराना। अच्छा, 50 साल पहले, 50 साल से पुराना है। हम लोग भी छोटे छोटे से जब पढ़ते थे, हम अपने 1970 की बात है, 1971 में पढ़ते थे हम लोग छोटे। अभी जो नई गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल है उसमें तालीम का मैार अच्छा नहीं था, गवर्नमेंट में तालीम अच्छी नहीं है। अच्छा, तो फिर इस वजह से अब आपने मिलकर एक प्राइवेट स्कूल प्राइवेट हम लोग। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों जगह पर कितने बच्चे पढ़ते हैं? कम से कम 800 बच्चे तो पढ़ते हैं। यानी 50,000 की इस आबादी में यानी जो 700-800 बच्चा है जो है वो अब पढ़ रहा है। अच्छा, और इसमें कोई अस्पताल है यहाँ पर, कोई भी सहूलत? कोई भी सहूलत, मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमार हो जाता है उसके लिए कोई परेशानी हम लोगों को होती है, अगर खुदा ना खासा कोई जरूरी केस की वजह हम लोग को इतनी परेशानी, हम लोग का उसी बीच में हो जाता है केस, हम लोग इतनी परेशानी। हाँ, खुली बात अच्छी बात है, कभी कभी इतना अभी देखो इधर से पानी सूखा हुआ तो हम लोग उधर से मतलब छोटा सा भी कोई क्लिनिक वगैरह नहीं, कोई भी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, अभी 2-3 डॉक्टर हैं वो भी कमजोर है, ऐसे हम लोग को दवाई दे देते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन कोई डॉक्टर। ये हम बाबा बिट के जज़ीरे पे मौजूद थे, यहाँ की जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं इंसान की वो यही होती हैं कि इंसान की खुराक का बंदोबस्त हो, उसकी तालीम व तरबियत का बंदोबस्त हो, अगर वो बीमार हो जाए तो इलाज का बंदोबस्त हो। अगर हम उसकी बात करेंगे तो स्कूल दो मौजूद हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक भी क्लिनिक मौजूद नहीं है, और इस हवाले से बात बहुत शुक्रिया।